अमेरिका चीन में छिड़ा कोल्ड वॉर 2। दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ पहला कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर 2 से फिर मंडराया पूरी दुनिया पर खतरा। क्या अमेरिका चीन के बीच नया कोल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर कराएगा? क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 से पहले का कोल्ड वॉर है? Were knowingly responsible, certainly, if they did, if it was a mistake. A mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। बीते कुछ ही महीनों में दुनिया ने देखा है कि कैसे अमेरिका और चीन एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी और चीनी युद्धपोत आमने सामने हैं। अमेरिकी युद्धपोतों से लगातार टोही विमान उड़ान भर रहे हैं। इन विमानों की उड़ान पर चीन लगातार अमेरिका को धमकी दे रहा है। चीन की धमकी है कि अगर अमेरिका ने उसके सब्र का इम्तिहान लिया तो वो उसे मजा चखा देगा। दरअसल अमेरिका और चीन के बीच ये तनातनी 4 जुलाई के बाद बढ़ी, जब दक्षिण चीन सागर में एक तरफ चीन नौसेना और वायुसेना का अभ्यास कर रहा था, दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने 2 सबसे शक्तिशाली विमानवाहक जहाजों को इस सागर में उतार दिया। यूएसए निमित्ज और यूएसए रोनाल्ड रीगन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने आक्रामक युद्धाभ्यास किया। इसके जवाब में चीन ने कह दिया कि अमेरिका उसकी नौसेना को पहले जैसा कमजोर न समझे। दरअसल चीन की पीएलए नेवी आज की तारीख में दुनिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली नौसेना है। इसमें न केवल 50 से ज्यादा युद्धपोत हैं, बल्कि शक्तिशाली विमान वाहक जहाज भी हैं। चीन के लड़ाकू विमान लगातार इनसे उड़ान भर रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री यांग यी कह चुके हैं कि अमेरिका के नेता दोनों देशों को शीत युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं, लेकिन इस कोल्ड वॉर से वर्ल्ड वॉर का खतरा पैदा हो गया है, ये चीन का सरकारी मुखपत्र ही कह रहा है। चीन का सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स सवाल कर रहा है कि क्या दक्षिण चीन सागर चीन अमेरिका के बीच किसी बड़े झगड़े की वजह बन जाएगा। ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि 2 वजहों से अमेरिका और चीन के बीच सैन्य टकराव होना तय है। पहला ये कि अगर अमेरिका ने चीन को उकसाना जारी रखा तो चीन के पास जवाबी कार्रवाई के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचेगा। दूसरी तरफ अमेरिका और भी खतरनाक सैन्य रणनीति अपनाएगा। दूसरा, अगर चीन और अमेरिका के बीच वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया जैसे अमेरिका के सहयोगी देशों को लेकर जंग छिड़ती है तो वॉशिंगटन उनके साथ खड़ा होगा। इस स्थिति में चीन और अमेरिका के बीच सीधी सैन्य टक्कर होगी। अब डर महज इस बात का नहीं है कि अमेरिका और चीन की सीधी टक्कर होगी। अगर युद्ध हुआ तो इसमें केवल अमेरिका और चीन आमने सामने नहीं होंगे। एक तरफ चीन के सहयोगी देश होंगे तो दूसरी तरफ अमेरिका के सहयोगी देश। यही नहीं, युद्ध का मैदान केवल एक ही जगह नहीं होगा, बल्कि ऐसे 5 युद्ध के मैदान बन सकते हैं। अमेरिका चीन अगर दक्षिण चीन सागर में भिड़ेंगे तो मध्य पूर्व में इसराइल बनाम ईरान की लड़ाई छिड़ सकती है। इस युद्ध में इसराइल की मदद में आने वाला अमेरिका भी ईरान के साथ भिड़ सकता है। तीसरा जंग का मैदान अमेरिका और तुर्की के बीच बन सकता है, जिसके खिलाफ अमेरिका ने पाबंदी लगा रखी है। जंग का चौथा मैदान अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच युद्ध से बन सकता है। युद्ध का पांचवा मैदान भारत और पाकिस्तान के बीच बन सकता है। इन दो देशों के बीच कोल्ड वॉर चलेगा तो सीधा नुकसान शायद ना भी हो, लेकिन साउथ एशिया के देशों पर इसका कोई ना कोई असर जरूर होगा। आगे चलकर अगर नाटो देश साथ आ जाते हैं तो फिर बाकी देशों को भी किसी ना किसी अलाय की जरूरत तो पड़ी सकती है, और फिर उसके अपने साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर अमेरिका और चीन के बीच का ये शीत युद्ध महज इन दो देशों के बीच सीमित नहीं रहेगा, लिहाजा ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 से पहले का कोल्ड वॉर है।